हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिकसिटी। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सीरीज़ वाले करे, फिर पैरेलल वाले, फिर उसके मिक्स्ड, फिर हमने देखा जिन क्वेश्चंस में हमें मतलब कि देख के पता नहीं लगता कि सीरीज़ है कि पैरेलल में, उसको वी ज़ीरो मैथड से या वोल्टेज मैथड से हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा, ठीक है, एक अरेंजमेंट रेजिस्टर्स का जहाँ पे वो ना ही सीरीज़ में होते हैं ना ही पैरेलल में होते हैं, उनको सॉल्व करना सीखा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे, सिमेट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिमेट्री को समझते हैं। ठीक है, मिरर सिमेट्री भी हम कहते हैं इसे। तो मिरर सिमेट्री है क्या? अब देखो, आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूछा है अक्रॉस ए एंड बी, या आप कह दो ए एंड बी मतलब कि ये सप्लाई लाइन है। ठीक है, जहाँ पे हम बैटरी लगाते होते हैं ना, तो जो सप्लाई लाइन है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अब ये लाइन बना दी मैंने, किसके परपेंडिकुलर है? ये वाली लाइन के, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए एंड इट शुड बाइसेक्ट द सर्किट आल्सो। ठीक है, तो मतलब कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सर्किट। ये जो रेड लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री क्या कहती है? प्लेस हैंड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, सच दैट अब हैंड के, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ठीक है, देखो मैं हैंड अगर रखूं यहां पे, तो दोनों साइड एक जैसे अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं लेफ्ट पोर्शन इज द मिरर इमेज ऑफ राइट पोर्शन। ठीक है, या राइट पार्ट जो है वो मिरर इमेज है लेफ्ट पोर्शन का। ठीक है, तो मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग आप देखोगे दोनों साइड एक जैसे अरेंजमेंट है। ठीक है, तो मतलब कि एक दूसरे की ये मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, सच दैट प्लेस हैंड अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सर्किट सच दैट राइट पोर्शन इज मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट पोर्शन एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, देन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, देन ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहां से करंट आ रहा है आई,
ठीक है, ऊपर स्प्लिट हो गया, यहाँ पे आई वन चला गया, यहाँ पे आई टू चला गया, ठीक है। तो I1 जो करंट है, अब ये I1 यहाँ पे स्प्लिट तो हो नहीं सकता, ये I1 सारे का सारा इधर ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना जंक्शन पे करंट स्प्लिट होता है। अब यहाँ पे तो स्प्लिट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है, सेम पोटेंशियल है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट तो तभी फ्लो करता है ना अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो ये I1 इधर से आया, इधर नहीं जाएगा, इधर ही चला जाएगा सारे का सारा, ठीक है। वैसे ही I2 इधर आया, इधर नहीं जाएगा, इधर ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही है, करंट अगर फ्लो कर ही नहीं रहा तो इसका क्या काम? इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, चाहे इसको यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स किस में? सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैसा ही है, चाहे आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी रेशियो दोनों की सेम आ रही है, इन दोनों की इसके इक्वल है, ठीक है। चाहे आप इसको आप मिरर सिमेट्री से भी देख सकते हो, ठीक है, तो जैसे आपका मन है वैसे। तो अब ये यहाँ पे देखो, ये मिरर सिमेट्री आ रही है, ठीक है, तो मिरर सिमेट्री है तो मतलब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको सर्किट को आप सिंपल बना सकते हो, ठीक है, सिंपल बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आर, ठीक है, ये आर और ये आर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो दिस आर एंड दिस आर, तो बस ये दोनों टू आर एंड टू आर, मतलब कि पैरेलल में, टू आर अगर पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको ये इतना तो पता ही है, दिस इज टू आर, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो 2R डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R, ठीक है। ये रही मिरर सिमेट्री। चलो हम अब मिरर सिमेट्री के और भी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ईच रेजिस्टेंस इज आइडेंटिकल ऑफ वैल्यू R, ठीक है, सभी आइडेंटिकल हैं। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे आप देखो, अपना हाथ रखो किस लाइन पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप हाथ रखोगे तो उसके देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों एक जैसे ही पोर्शंस हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह अरेंजमेंट एक जैसी है। एक जैसी है तो यहाँ पे भी मिरर सिमेट्री लग सकती है, ठीक है, मतलब कि या तो इस लाइन पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो। अब अगर यहाँ से करंट आया आई, ठीक है, और इधर स्प्लिट हो गया आई वन, ठीक है, इधर स्प्लिट हो गया आई टू और इधर स्प्लिट हो गया आई थ्री। अब आई वन जो है फर्दर यहाँ स्प्लिट हो गया आई फोर एंड आई फाइव में, ठीक है। तो अब ये जो करंट है ना आई फाइव, ये इस जंक्शन के मतलब कि इधर कहीं पे स्प्लिट नहीं होएगा, ये आई फाइव सारा इधर चला जाएगा, मतलब कि ये स्प्लिट नहीं होएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस इसमें हुआ था ना, जैसे करंट आया था, ठीक है, इधर चला गया, इधर मतलब नहीं गया, ठीक है, इधर चला गया, वैसे ही यहाँ से जो करंट आया था वो इधर चला गया, इधर नहीं गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो करंट I5 आएगा, ठीक है, इस जंक्शन से मतलब और कहीं नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब ये दोनों मिलके यहाँ पे मतलब कि इस जंक्शन पे कितना करंट क्रॉस कर रहा है, I4 एंड I5, ठीक है, तो ये मिलके I4 प्लस I5 बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, तो I3 इधर हुआ, I3 अब यहाँ पे स्प्लिट हो गया, मान लो यहाँ पे I6, यहाँ पे I7, ठीक है,
अब आई सेवन इधर गया, अब आई सेवन जो है वो और कहीं नहीं जाएगा, इस जंक्शन से इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो वैसे ही अब यहाँ पे आई सेवन इधर आया, आई सिक्स इधर आया, तो इधर मिलके क्या बन जाएगा, आई सिक्स प्लस आई सेवन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आई फोर प्लस आई फाइव बना। तो मतलब कि इस जंक्शन से देखो करंट जो आया आई फाइव, इधर आई फाइव चला गया, और आई टू, और इसमें अगर आई टू फ्लो कर रहा है तो इसमें भी आई टू फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आई सेवन, आई सेवन इस जंक्शन से इधर आ जाएगा, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा। मतलब सिंपल बात है, आई फाइव इधर आया तो आई फाइव कहीं पे स्प्लिट नहीं होएगा, सीधे इसमें होएगा। मतलब आपने देखा ना कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो इस लाइन के, मतलब ये इसकी इमेज थी, ये इसकी इमेज थी, ठीक है, जितना करंट इसमें था उतना ही इसमें था, जितना इसमें था उतना ही इसमें था, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे चलो हमने आई वन मान लिया था, यहाँ पे आई टू मान लिया था, जितना आई वन अब इधर नहीं जाएगा, सारे का सारा आई वन इधर आएगा, ठीक है, आई टू इधर नहीं जाएगा, सारे का सारा इधर जाएगा। मतलब कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिरर रखा है हमने, तो इस पे जितना करंट होएगा उतना ही इस पे होएगा, जितना यहाँ पे करंट होएगा उतना ही यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो इसकी इमेज है, ठीक है, ये जो है ये इसकी इमेज है, इन दोनों पे करंट सेम होएगा, ये जो है ये इसकी इमेज है, इन दोनों पे जो करंट है वो सेम होएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखना है। तो मतलब जितना यहाँ करंट होएगा उतना ही ये करंट होएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि I1, I4, I5 में स्प्लिट हुआ था ना, अब समझो I1 जो है वो I4, I5 में स्प्लिट हुआ था, तो इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I4 प्लस I5, ठीक है, वो I1 के इक्वल है, तो जितना इस ये करंट है उतना ही इसमें करंट है, जितना इसमें करंट है उतना ही इसमें करंट है, जितना इसमें करंट है उतना इसमें करंट है, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज थी तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए, ये इसकी मिरर इमेज थी तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज थी तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए, अब ये इसकी मिरर इमेज थी दोनों में करंट सेम होना चाहिए, अब ये इसकी मिरर इमेज है तो इन दोनों में भी करंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आई थ्री स्प्लिट हुआ था आई सिक्स एंड आई सेवन में, ठीक है, अब इस जंक्शन में देखो आई सेवन और आई सिक्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होएगा आई सिक्स प्लस आई सेवन, तो I3 ही I6 I7 में स्प्लिट हुआ था ना, तो ये भी I3 के इक्वल ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब जैसे ये मैंने बनाया था, ठीक है, ये लाइन बनाई थी परपेंडिकुलर, और वैसे ही आप कह लो इस लाइन के इधर आधा रेजिस्टर है, ये भी आधा है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, वैसे इस लाइन के इधर भी आधा रेजिस्टर है, ये मतलब इस रेजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों की, ठीक है, तो इसमें भी जितना करंट इधर है उतना ही करंट उधर है, ठीक है। तो मतलब ये आपने देखना है, जैसे ये इसकी मिरर इमेज है दोनों में करंट सेम होएगा, ये इसकी मिरर इमेज है दोनों में करंट सेम होएगा, ये इसकी मिरर इमेज है दोनों में करंट सेम होएगा, ये इसकी इन दोनों में सेम होएगा, ठीक है, ये इसकी इन दोनों में सेम होएगा, ये इसकी इन दोनों में सेम होएगा, ये इसकी इन दोनों में सेम होएगा। तो अगर ऐसा बात है, ऐसी बात है, तो इस जंक्शन का क्या काम, इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आई फाइव ऐसे चला गया। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ, आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। अब इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, चलो यहाँ पे बना देता हूँ,
ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो तो ये ऐसे मैं सिंपल करके बना सकता हूं ना, क्योंकि इसमें जितना करंट जा रहा था उतना इसमें जा रहा था, ठीक है। तो वो अगर ये दोनों सीरीज में होंगे तो सेम ही होएगा, तो मतलब ये जंक्शन का कोई काम नहीं है इस जंक्शन का, ठीक है। जितना इसमें करंट था उतना इसमें था, तो दोनों सीरीज में होएंगे। जितना इसमें था उतना ही इसमें था, तो ये दोनों सीरीज में होएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे जंक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब आप आसानी से निकाल सकते हो ये रेजिस्टेंस आर। अब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ये भी आपने देखना है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तभी लेफ्ट पोर्शन मिरर इमेज बना राइट का, ठीक है। अगर आइडेंटिकल ना होते, यहाँ इधर आर होता उधर टू आर होता, तो काम फिर नहीं, ये सिमेट्री लगनी थी, ठीक है। तो ये आर बस इसे सॉल्व कर लो, अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। तो 2R इंटू आर क्या हो जाएगा, 2R बाय 3। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, ये R और ये 2R बाय 3 और ये R, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे करते हैं, इस ये दोनों भी सीरीज में है, ये 2R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी सेम ऐसा ही, क्योंकि ये दोनों सीरीज में वो इसके साथ पैरेलल में, तो ये R और ये 2R बाय 3 और ये वैसी R, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2R प्लस 2R बाय 3, मतलब कि 2R प्लस 2R बाय 3 कितना हो जाएगा, 2R प्लस 2R बाय 3। तो 2R चलो कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 8R बाय 3, ठीक है। तो ऊपर भी 8R बाय 3 है, नीचे भी, ये भी 8R बाय 3 है, ठीक है। और दोनों मतलब तीनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो चलो अब आप इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू आर, ठीक है, ऊपर भी 8R बाय 3 है और नीचे भी 8R बाय 3 है, 8R बाय 3 और 8R बाय 3 ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8R बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 4R बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4R बाय 3 और 2R किस में है, पैरेलल में है, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4R बाय 3 इंटू 2R, टू आर, ठीक है। तो 2 प्लस 4 बाय 3, तो ये आ गया आपका, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 8R बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 6 प्लस 4 10, ठीक है। तो ये 3 कट गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 4R बाय 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, यहाँ पे इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना करंट है उतना इसमें है, तो ऑब्वियस ये दोनों सीरीज में होने चाहिए, जितना इसमें है ये इसमें है, ऑब्वियस ये दोनों सीरीज में होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, यहाँ पे आप हैंड रखो,
अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेफ्ट इज द मिरर इमेज ऑफ राइट और राइट इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो मतलब कि इस लाइन के अलॉन्ग क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ना ही इस टू आर में करंट फ्लो करेगा ना ही इसमें फ्लो करेगा, मतलब जितना करंट इसमें है उतना ही इसमें होएगा, जितना इसमें है उतना ही इसमें होएगा, जितना इसमें है उतना ही इसमें होएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ सर्किट को, टू आर और ये R है, ये भी R है और ये 2R और ये 2R कैपिटल R। तो स्टूडेंट्स ये 4R, ये 4R, ठीक है, 4R और 4R अगर पैरेलल में है तो इनका कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। दिस इज 4R, दिस इज 4R, 4 कैपिटल R और 4 कैपिटल R जो हैं जब ये पैरेलल में आ गए इनका इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। तो मतलब कि एक 2R ये हो गया और एक 2R हो गया ये स्मॉल 2, ठीक है, 2 स्मॉल R। तो अब स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2R इंटू 2 स्मॉल R, 2 कॉमन निकाल लो, R प्लस स्मॉल R, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2R स्मॉल R इज द R प्लस स्मॉल R इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ए पार्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें भी यही है, ठीक है, यहाँ पे आप हैंड रखो, देखो लेफ्ट इज़ द मिरर इमेज ऑफ राइट और राइट इज़ द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट, ठीक है, इसका मतलब जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही इसमें करेगा, जितना इसमें उतना इसमें करेगा, जितना इसमें और उतना ही इसमें करेगा, यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम है, करंट इसमें तो फ्लो ही नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको भी वैसे ही हम बना सकते हैं, ये 2R, 2R और 2R किस में है, पैरेलल में है, तो आइडेंटिकल है, तो 2R बाय 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2R, ठीक है, इधर भी 2R और नीचे भी 2R, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो एक का रेजिस्टेंस लगा करो, डिवाइडेड बाय कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, सो 2R बाय 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है, तो ये मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री से कैसे, ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये तो मतलब कि यहाँ पे तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इस आर में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, इस नहीं फ्लो करेगा, तो अब देखो जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें होएगा, जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें होएगा, जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें होएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और जितना करंट इसमें उतना ही इसमें होएगा, ठीक है, जितना इसमें और उतना इसमें होएगा, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे ये जंक्शन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है, अब जंक्शन का अगर काम ही नहीं है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आर, ये आर, ये आर, ये R, ये R और ये R, ठीक है, वैसे ही नीचे, अब वैसे ही इस जंक्शन का भी कोई काम नहीं है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी R, 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 तो अब ये सारे सीरीज में, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2R हो जाएगा, ठीक है, वैसे ये भी 2R हो जाएगा,
और वैसे ही नीचे वाला ये 4R हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये पैरेलल में है सभी, तो 4R 4R ये 2R हो जाएगा और 2R 2R ये R हो जाएगा, मतलब कि 2R एंड R आर इन पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर कितना आना चाहिए, 2R/3, 2R इंटू आर प्लस 2R+R, मतलब 2R/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से भी किया था, ऐसे भी हमने करके देख लिया, मिरर सिमेट्री से सेम क्वेश्चन। तो ये हमारी थी स्टूडेंट्स मिरर सिमेट्री। ठीक है, अब हम बहुत सारे सर्किट्स कर चुके हैं, ठीक है, सिमेट्री सिमेट्रिक सर्किट्स भी कर लिए, ठीक है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी कर लिया, वोल्टेज मेथड भी हमने लगा लिया, तो अब हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कवर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स वेरी मच।